आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज मैं फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी लेके आई हूँ। गर्मियों के मौसम आ गई है और खाना खाने के बाद ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड किसे अच्छा नहीं लगता है। तो इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दें। यहाँ मैंने लिया है आधा लीटर मिल्क और इसे बॉयल होने के लिए हम चूल्हे पर रख देंगे। शुगर 65 ग्राम, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर को घटा या बढ़ा सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर या वनीला फ्लेवर का है 2.5 टेबल स्पून। रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया हुआ मिल्क आधा कप, गर्म या गुनगुना दूध ना लें। अब कस्टर्ड पाउडर को इसमें अच्छे से हम मिक्स करेंगे, इसमें लंप नहीं रहना चाहिए, इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब हम मिल्क को देख लेते हैं। मिल्क बॉयल हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे हम शुगर। चीनी घुल चुकी है, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे, फ्लेम हाई में ना रखें। हम कस्टर्ड मिलाएंगे जिसे आधा कप मिल्क में हमने घोल कर रखा था। मिल्क में मिलाने से पहले कस्टर्ड को एक बार अच्छी तरह से चला लें। जब हम कस्टर्ड मिल्क में मिलाते हैं तो मिल्क बहुत जल्दी गाढ़ी होने लगती है, इसलिए एक हाथ से मिल्क को लगातार चलाते रहें, दूसरे हाथ से धीरे धीरे कस्टर्ड इसमें मिक्स करेंगे और इसे लगातार हम बॉटम में टच करते हुए चलाते रहेंगे, नहीं तो मिल्क में लंप बनने लगेंगे और नीचे बॉटम में इसका चिपकने लगेगा। इसे हमें लगातार इसी तरह से गाढ़ी होने तक चलाते रहना है। इसे अगर हम छोड़ देंगे तो यह नीचे बॉटम में इसका चिपकने लगेगा और आपका जो कस्टर्ड है वो जल जाएगा, नीचे की ओर जलने की जैसी स्मेल आने लगेगी। सबकी अपनी पसंद है, अपना टेस्ट है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके थिकनेस को रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि ठंडे होने पर कस्टर्ड और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो इसे हमें इसी तरह से लगातार चलाते हुए गाढ़ी होने तक पकाना है। यह गाढ़ी हो चुकी है, इसे हम फिंगर से इस तरह से करके देखेंगे तो स्पून में एक लाइन बन जाएगा, तो ये हमारा कस्टर्ड जो है बिल्कुल रेडी है। अब रूम टेम्परेचर तक आने तक इसे हमें ठंडा करना है। तो जब यह ठंडा हो रहा है तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, तो इस लेयर को हमें हटाना है। तो इसे बीच में एक दो बार इसे इसी तरह से हम चला लेंगे जिससे इसके ऊपर एक लेयर नहीं बन पाए। अब इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और अब इसमें हम कटे हुए फ्रूट मिक्स करेंगे। तो आपको जिस टाइप के भी फ्रूट पसंद हो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, चाहे वो मैंगो हो, बनाना हो, एप्पल हो या अनार के दाने हो। तो यहाँ मैंने लिया है अनार के दाने और छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए एप्पल और ग्रेप्स, ग्रेप्स को भी मैंने काट लिया है। अब फ्रूट को हम इसमें मिक्स करेंगे। थोड़े से अनार के दानों को मैंने रख लिया है ऊपर से डेकोरेशन के लिए। अब इसे हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है, बस हल्के हाथों से फ्रूट को बस कस्टर्ड में मिलाना है और मिला के इसे हम फ्रिज में 2 घंटा के लिए रख देंगे। तो 2 घंटा हो चुका था, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। आपके पास जिस टाइप का भी बाउल हो आप उसमें निकाल सकते हैं। ऊपर से डाल देंगे हम अनार के दाने जिससे ये जो है थोड़ा अच्छे दिखने लगे और इसे हम फ्रिज में रख देंगे और जब हमें इसे परोसना रहेगा तब निकाल के हम इसे सर्व कर देंगे। तो ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड रेडी है, आप इसे आप फ्रिज में रख दें और जब खाना हो तो आप इसे निकाल के खाइए। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट दें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नीचे के बेल आइकन दबा दें जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।